दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। नगर निगम के मासिक हाउस में 24 घंटे पानी न मिलने से पार्षदों ने जल निगम प्रबंधन कंपनी पर सवालों की झंडी लगा दी। मासिक हाउस में पायलट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से शुरू न किए जाने पर पार्षदों ने कई सवाल उठाए। प्रोजेक्ट के तहत शहर में संजौली और टूटू में लोगों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24 घंटे पानी मिलना था, लेकिन अभी तक संजौली में ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इस मामले पर निगम मासिक हाउस में सवाल पार्षद ने कंपनी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल किए। इसके बाद टूटू वार्ड के पार्षद विवेक बैठक को छोड़कर चले गए। मैडम इसको वापस विश्वास नहीं लोगों आज की नहीं है, आज की नहीं है सर, ये भी उतनी पुरानी है जितनी ये उन्होंने बात की है। कब बनेंगे? सवाल ये है कि जैसे बोला गया कि टैंक की विजिबिलिटी नहीं है, तो ये शहर में टैंक कब बनेंगे? हमारे टैंक कब बनेंगे, कब बनेंगे? इस चीज को थोड़ा स्पष्टीकरण दे दिया जाए तो बहुत अच्छा। बुरा लगने वाली बात नहीं है, ये लोगों के अधिकार के साथ चीटिंग हुई है। मैं नहीं बैठूंगा मैडम, प्लीज। ये पुष्टि कैसे करेंगे आप? ये मैडम पुष्टि कैसे करेंगे आज की? पुष्टि कैसे करेंगे? कंफर्मेशन कैसे कर रहे हैं? पुष्टि क्या करेंगे? कंफर्मेशन नहीं हुई, इस विषय को दोबारा लिया जाए। सर विषय चर्चा हुआ था, वो चर्चा भी होने पर नहीं आई प्रॉपर। मैडम अभी तो देखो एक लड़ाई से भी पानी दिया गया, लेकिन पांचवें छठे दिन पानी आ रहा है। आज भी लोग रोते हैं पानी के लिए, आज भी रो रहे हैं। छोटी बात नहीं है, बैठने से अगर पानी मिल जाएगा मैं बैठ जाता हूँ, मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन ये बात सही नहीं है। विवेक जी जब से कंपनी बनी है ना, तो जवाब दो ढंग से, अगर वो बैठ जाएंगे। अगर कोई ऐसा विरोध नहीं है, मैं जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए आता हूं। मैंने देखनी है कि जनता जिन्होंने मुझे चुन के यहां भेजा है, अगर मैं उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता तो यहां बैठना मेरा बेकार है। आज से 4 साल पहले निर्णय इसी सदन में लिया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत संजौली और टूटू वार्ड को 24/7 पानी दिया जाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट के बारे में मैंने जब पिछले सदन में इसी में जब हमारी जो बैठक थी सदन की, वहाँ मैंने पूछा तो मुझे ये कहा गया था कि अगले हाउस से पहले पहले आपको बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है, अब किस स्टेज पे हम लोग पहुँचे हैं। तो वो जवाब मुझे दिया गया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था क्योंकि वो सवाल का जवाब नहीं था, एक तरह से लिपापोती थी। ये लोकतंत्र का मंदिर है यहाँ, ये प्रक्रियाएँ जो चलती हैं ये जनता के लिए चलती है, यहाँ निर्णय जो लिए जाते हैं वो जनता के लिए लिए जाते हैं। अगर यहाँ के फैसलों में अगर अपने आप को चीटेड महसूस करेंगे तो क्या करेंगे? 4 साल से एक अश्योरेंस है, जनता इंतजार कर रही है कि हाँ पायलट प्रोजेक्ट में हम लोग आ रहे हैं तो पानी मिलेगा, लेकिन आज ये अचानक हो गया। तो मुझे प्रश्न पूछने पर पहले तो लिपापोती वाला जवाब था, लेकिन आज अगर ये कहा जाता है कि नहीं मिलेगा या प्रोजेक्ट में नहीं है, तो इससे बढ़कर विडंबना और क्या हो सकती है? कंपनी की क्या मंशा है ये तो उनका आचरण ही बता रहा है कि सीरियसनेस नहीं नजर आ रही है। आज सडनली अगर ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीका है जिसकी वजह से नहीं आ पा रही है या अभी पॉसिबल नहीं है, कोल्ड डैम के तहत होगा, तो कोल्ड डैम का जो काम है वो तो लगभग 4 साल पहले से ही चल रहा है। उससे पहले से जानते हैं कि कोल्ड डैम के तहत इसको पानी को शिमला पहुंचाया जाना, और सरकार ने 70 करोड़ से इतनी अच्छी 6 महीने में रिकॉर्ड टाइम पे एक योजना पूर्ण करके शिमला शहर को पानी पिलाया था जब बड़ा संकट आया था। इतना इम्प्रूव हुआ, 50 MLD तक हम लोगों ने पानी पहुँचाया है शिमला में, वो हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन उसके बावजूद जो निर्णय सदन में लिए गए थे, दुख उस बात का है कि आज अगर इस प्रश्न को पूछने के बाद अगर ये कहा जाता है कि नहीं वहाँ पायलट प्रोजेक्ट के तहत 24/7 पानी पहुँचाना संभव नहीं है, तो ये तो चुप बैठे थे। ऑन द राइट्स ऑफ पीपल, तो मैं एक जनता की आवाज यहाँ से रखी है कि अगर आपने ऐसा किया है और अब आप कहते हो कि नहीं पहुँचेगा, तो ये क्लेम क्यों किए जाते हैं कि शहर को 24/7 पानी दिया जाएगा? शहर में नजर आ रही है,
अगर कोई भी अधिकारी अपना काम सही करे, सीरियसली करे, तो जनता क्या, कोई भी आदमी नहीं लूट सकता। आज बिल ज्यादा आ रहे हैं, कारण है कहीं दुरुस्ती हो रही है, जिसके पास रिकॉर्ड है दुरुस्त भी होते हैं, ठीक है, इंसानी है, गलत होती है, कई बार हो जाती है गलतियां, लेकिन वो चेंज हो सकती हैं। लेकिन अगर बिल बढ़कर आ रहे हैं तो गलत है, देखना चाहिए नहीं। तो क्या निर्णय मैं अकेला नहीं ले सकता, लेकिन अगर कंपनी का यही आचरण रहा तो इसके ऊपर जरूर विषय में विचार किया जाएगा कि कंपनी की सीरियसनेस को मेंटेन करे या नगर निगम इसको टेक ओवर करे। हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि अगर आज इस तरह का विवेक अगर कंपनी करती है तो ये जनहित में नहीं है। जी, मेरा विरोध था इस बात को लेकर कि अगर मुझे जवाब दिया जाता, मुझे कन्विंस किया जाता, तो मेरा कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि मैं बाहर निकलूंगा। लेकिन कोई भी ऐसा मुझे आज एक कन्विंसिंग आंसर ना अधिकारी द्वारा दिया गया, ना किसी के द्वारा कन्विंसिंग। आप एटीट्यूड तो रखिए कम से कम। अगर सवाल नहीं होता तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हो सकता है साल डेढ़ साल तक भी हमें नहीं पता चलता, हम तो पायलट प्रोजेक्ट के इंतजार में रह जाते, ये आएगा। आपका स्टैंड क्या है? बाहर निकल रहा हूँ, मेरा विरोध है और जनता की आवाज मुझे पहुंचाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। मैं जनता की आवाज यही है कि मेरी जनता चाहती है कि 24/7 पानी मिलना चाहिए। तो अगर मैं जनता की आवाज को पहुंचाने में वॉकओवर से बाहर निकलकर अगर मैं कामयाब होता हूँ तो ये जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से मोनिका बंसल की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।